कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने बुधवार को अपनी हार स्वीकार की और मल्लिकार्जुन खड़गे को नया अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। मैं चाहता हूं कि खड़गे साहब का विजय हम सब मान ले कि कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने शुरुआत से ही कहा था ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं, मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि पार्टी मजबूत बने, क्योंकि भारतीय मजबूती के लिए एक कांग्रेस मजबूत होना बड़ी ज़रूरी है। कि मेरे मन में ये बहुत अच्छा हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए, और यहाँ से हम आगे बढ़ के कांग्रेस को हमारे देश के आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी जाग गए हैं, सब लोग तैयार हैं बीजेपी के चुनौती को निपटने के लिए, और मैं भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी पार्टी आप लोगों को हमारी कामयाबी दिखाई सकेगी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में खड़गे को 7,897 वोट मिले, वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट हासिल हुए। अध्यक्ष के चुनाव में कुल 9,497 वोट पड़े थे।